Thank you, thanks, sir. I'll tell you something. Aap Sandeep Basi hai, my P.U. Vice, watch him in Chori LLP. Love sex aur dhoka ke jo usne jeevan ki bahut sari upalabdhiyan hasil ki hain. And I never know about the, all the teams actually. Lekin bahut sari badhai. और आज ये शुभ मौके पे आए हैं, चाहे पिक्चर का प्रोमो तो नहीं देख पाए लेकिन संयोग है कि ये सब बड़ी मुश्किल से मिलती है वो प्लेटफॉर्म का सोना वहां से याद कहना ये सब मिलना, इसके लिए मैं राजेश मित्तल साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। सर ये बड़ा मुश्किल है बोलना, यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, चाहे बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिल्म है, वही एक्शन है, वही कट है, वही कैमरा है, वही लैंग्वेज है, छोटी बड़ी का फर्क हो सकता है लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूं, जहां राजेश मित्तल है वो फिल्म अपने आप बड़ी हो जाती है। हेलो, हाय, मैं पप्पू पास्टर, आप लोग सभी मुझे जानते होंगे मगर इस वक्त मैं यहाँ प्रोग्राम में आया हूँ बदला हिंदुस्तान का, बदला हिंदुस्तानी का बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म है और मैंने अभी प्रोमो देखा, बहुत ही अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को बेइंतहा पसंद आएगी और बहुत अच्छी कहानी है, म्यूज़िक बहुत अच्छी है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है और राजेश मित्तल साहब जो है वो हमारे ख़ास समझिए कि मेरे बहुत ही पुराने बेहतरीन दोस्तों में से, आपने सुना होगा कि बासी फूलों का इत्र बनता है और पुराने चावली महकते हैं, तो राजेश मित्तल साहब के लिए ये मिसाल है और वो उस तरह के हैं और बेहतरीन काम करते हो, बेहतरीन काम उन्होंने किया है और ये फिल्म वो रिलीज़ कर रहे हैं, बेहतरीन रिलीज़ होगी और पूरे हिंदुस्तान में लोग देखेंगे और उसको बाहर भी देखेंगे। वैसे राजेश मित्तल साहब कोई भी फिल्म बनाए वो डब्बे में नहीं जाती, रिलीज़ ज़रूर होती है। ओके, नमस्कार, रमेश गोयल की तरफ से यहाँ पर सभी उपस्थित भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, अगर आप हैं तो हमें जनता जनार्दन का हर फंक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ आप उसे गौर से सुनिए प्लीज़। कोई भी फिल्म हो अगर उसका म्यूजिक लॉन्च है, पार्टी है या रिलीज हो रही है, ऐसे फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो मेरे सामने कैमरे चल रहे हैं ये कैमरे हमको पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे। सही बात। और हमारे पास कोई माध्यम ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात को कह के पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा सकें। तो मैं मीडिया के सभी पर्सनैलिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे ऊपर कैमरा लगाए हुए हैं, जिसकी मैं सालों से इच्छा मेरी इच्छा थी कि मेरे ऊपर कैमरा लगे और मैं कुछ बोलूं। हकीकत है ये, एक्टर को बोलना बहुत अच्छा लगता है और एक्टर बोलने का ही खाता है, डायलॉग बोलता है तो उसे पैसा मिलता है, तो यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा होने वाला है। मेरे साथी यहाँ पर बहुत कलाकार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, यानी हर फैकल्टी का आदमी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी में हमेशा साथ दिया है। आज अगर मैं हूँ किसी भी वजह से तो इन सब लोगों की वजह से हूँ, इन लोगों ने मुझे कॉर्बेट किया। जब मैं प्लेटफॉर्म पर सोता था तब भी ये लोग मेरे साथ थे, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तब भी ये सब लोग मेरे साथ हैं। इस लाइन का स्ट्रगल
बहुत पॉजिटिव है। अगर इस लाइन में कोई आदमी तरक्की करना चाहता है तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, जिसकी आज मिसाल देखने को मिल रही है कि मैं फर्स्ट डे भी 10 अक्टूबर 1973 को पॉजिटिव था कि मैं एक्टर बनूंगा, प्लेटफॉर्म पर सो के सोच रहा था, और वो पॉजिटिविटी मेरी आज कमाई कि मैं एक्टर हूँ, जो मुझे इज्जत दी जा रही है। इसीलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग पॉजिटिव हो जाइए। कोई भी आदमी कहीं रह रहा हो, किसी भी तरह का हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई साथ नहीं हो, लेकिन ऊपर वाला साथ है। वो जब साथ देता है तो किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ज़्यादा न बोलकर मैं राजेश मित्तल साहब का, डायरेक्टर साहब का, प्रोड्यूसर का, प्रोडक्शन कंट्रोलर का, सभी टेक्नीशियन, पूरी टीम का, हीरो हीरोइन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप लोगों ने मौका दिया, मेरी बात सुनी। ऑलवेज बी पॉजिटिव। डालिया फिल्म कुछ, ये फिल्म की मैंने प्रोमो देखी थी, तो प्रोमो देखने के बाद फिर इनको कहा कि मुझे पूरी फिल्म दिखाओ, तभी मैं ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ कर पाऊँगा। तो फिल्म का इनके जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर राज और इनके डायरेक्टर हैं लक्ष्मण यारा, इन दोनों ने मिलकर मुझे फिर पूरी फिल्म दिखाई। तो फिल्म पूरी देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये फिल्म मैं कर पाऊँगा, और ये फिल्म इतनी अच्छी लगी ऐसे माहौल में। सबसे बड़ी बात है इस फिल्म का टाइटल इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और जिस तरह से टाइटल है उस तरह से फिल्म भी बनाई गई है। इसके गाने बड़े मधुर हैं और फिल्म के एक्शन, डांसेस, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है, तो जब आप लोगों को पसंद आया इतना तो मुझे ज़रूरी है कि मुझे भी पसंद आया होगा। और यही सोचकर मैं इसे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ करने जा रहा हूँ। 24 तारीख को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ है पिक्चर, कुछ 200 थिएटरों में रिलीज़ है फिल्म। बस आप लोग दुआ कीजिए ताकि ये फिल्म चले ऑल ओवर इंडिया में, और मेरी इसी तरह से और सारी फिल्मों को मैं रिलीज़ करता रहूँ, आपको बुलाता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ, यही तमन्ना है मेरी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरी संस्था मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कम से कम अब तक 150 फिल्मों रिलीज कर चुकी है और निर्माण भी ये फिल्म करती है। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि ये फिल्म आप 24 तारीख को ज़रूर थिएटर में जाकर देखेंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।